Welcome to our channel Samet Classes. So today our topic is Forensic Ballistics. और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं Ballistics का definition. So Ballistics is a field of mechanics that deals with the study of the launching, flight behavior and effects of the projectile on the target. It also deals with the design in the projectile and its acceleration in order to achieve the desired performance. So Ballistics क्या है? एक field है mechanics का जो किस पे deal करता है? लॉन्चिंग. लॉन्चिंग को क्या बोलते हैं? जैसे ही हम अपना जो हमारा फायर आर्म है उसको जैसे हम ट्रिगर को दबाएं, ट्रिगर को पुल किए उस वक्त के हम लोग उस और हमारा बुलेट बाहर निकला उस वक्त के टाइम को हम लोग बोल रहे हैं लॉन्चिंग. फिर हमारा आता है फ्लाइट बिहेवियर. फ्लाइट बिहेवियर क्या होता है? जो हमारा मजल एंड है, जो हमारा बैरल का लास्ट एंड रहता है जहाँ से बुलेट बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं मजल एंड. तो मजल एंड से जैसे हमारा बैरल के बाहर निकल रहा है और वो फ्लाइट बिहेवियर मीन्स जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बुलेट है, ये बाहर निकला हमारा बैरल से और अपना टारगेट पे इम्पैक्ट किया. तो जैसे ही ये बाहर निकला और टारगेट पे इम्पैक्ट किया इस टाइम के वक्त को बोल रहे हैं फ्लाइट बिहेवियर. मीन जिस जब तक वो हवा में रहेगा हमारा बुलेट उस वक्त के स्टडी को बोल रहे हैं फ्लाइट बिहेवियर. तो फ्लाइट बिहेवियर में हम लोग स्टडी करेंगे कि वो उसका स्पिन मोशन कैसा था, स्पिनिंग मोशन, या फिर वो यूनिफॉर्म में गया यूनिफॉर्म स्पीड में और जाके अपने टारगेट को हिट किया, या फिर अगर राइफलिंग किया हुआ है बैरल में तो वो स्पिन करेगा. तो उस वैसे वैसे स्टडी को जो भी उसका हमारा फ्लाइट में उसका बिहेवियर रहेगा उस वक्त की स्टडी को हम लोग बोल रहे हैं फ्लाइट बिहेवियर. फिर बोल रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द टारगेट. तो हमारा टारगेट पे इफेक्ट किस तरह का होगा उसके स्टडी को बोल रहा है ये हमारा इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द टारगेट. हाँ, और क्या करता है बैलिस्टिक? इट ऑल्सो डील्स विद द डिज़ाइन इन द प्रोजेक्टाइल. तो बहुत सारे तरह तरह के हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, जैसे कि हो गया इंसेंडरी बुलेट, डमडम बुलेट, स्पिट्जर बुलेट, सबका अलग अलग परफॉर्मेंस रहता है, सबका अलग अलग एक्सेलरेशन रहता है एंड इट्स एक्सेलरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर परफॉर्मेंस. और उसका एक्सेलरेशन को स्टडी करता है ताकि वो डिज़ायर परफॉर्मेंस कर सके. तो ये हुआ हमारा बैलिस्टिक. तो बैलिस्टिक हमारा तीन पार्ट में डिवाइड है, इंटरनल बैलिस्टिक, एक्सटर्नल बैलिस्टिक एंड द थर्ड वन इज टर्मिनल बैलिस्टिक. सो वाट इज इंटरनल बैलिस्टिक? इंटरनल बैलिस्टिक इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टाइम ट्रिगर मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड टिल इट लीव्स द मजल एंड ऑफ द बैरल. तो जैसे ही हम लोग ट्रिगर को दबाते हैं उस वक्त जो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जब तक कि वो मजल एंड से बाहर नहीं निकल जाता है, गन के मजल एंड से बाहर नहीं निकल जाता उस वक्त के स्टडी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल बैलिस्टिक. सेकेंड हमारा आता है एक्सटर्नल बैलिस्टिक. सो एक्सटर्नल बैलिस्टिक इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट्स पाथ थ्रू द एयर. तो रेस्ट ऑफ इट्स पाथ, जैसे ही हमारा बुलेट मजल एंड से बाहर गया और अपने टारगेट पे इम्पैक्ट किया उस वक्त जब वो हवा में रहता है उस वक्त के स्टडी को हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल बैलिस्टिक. एंड द थर्ड वन इज टर्मिनल बैलिस्टिक विच इज ऑल्सो नॉन एज वन बैलिस्टिक. तो उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द टारगेट. टारगेट पे उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनल बैलिस्टिक. ठीक है, अब हम लोग आते हैं फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स पे. सो फॉरेंसिक बैलिस्टिक का डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा. द एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ बैलिस्टिक्स अप्लाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सो ये हमारा रामबाण है, किसी भी फॉरेंसिक साइंस के डेफिनेशन को इस चीज़ पे, इस डेफिनेशन पे हम लोग पुट कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए फॉरेंसिक बायोलॉजी, तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे? द एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ बायोलॉजी अप्लाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ऐसे जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट का अगर डेफिनेशन पूछा जाए फॉरेंसिक से रिलेटेड तो इस डेफिनेशन में आप उस सब्जेक्ट को पुट कीजिए और ये आपका डेफिनेशन बन जाएगा. बट आपको प्रॉपर नॉलेज उसका होना चाहिए डेफिनेशन का, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरेंसिक बैलिस्टिक का डेफिनेशन. अब हम लोग देख लेते हैं फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स का एप्लीकेशंस क्या क्या होता है. तो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशंस क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फायरआर्म एंड द बुलेट. तो एग्जामिनेशन और कलेक्शन दोनों का स्टडी ये एप्लीकेशंस में आ जाएगा फॉरेंसिक बैलिस्टिक का. दूसरा हमारा क्या होगा? एनालिसिस ऑफ टूलमार्क का एनालिसिस, जो भी क्राइम सीन पे हमारा टूलमार्क मिलता है उसका एनालिसिस करता है ये. तीसरा हमारा एप्लीकेशन में आ जाएगा द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच हैज़ बीन टुक प्लेस ऑन द क्राइम सीन.
जब मतलब कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट, पहला कौन सा इवेंट हुआ, दूसरा कौन सा इवेंट हुआ, तीसरा कौन सा इवेंट हुआ, ये भी हमारा फॉरेंसिक बैलिस्टिक डील करता है। और अल्टीमेटली ये हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन में हेल्प करता है, ताकि हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सके क्राइम सीन। चौथा हमारा पॉइंट आ जाएगा द एग्जामिनेशन ऑफ वुंड्स विच इज बींग प्रेजेंट ऑन द कॉप्स। कॉप्स मतलब डेड बॉडी में जो हमारा वुंड प्रेजेंट रहेगा उसका स्टडी करेगा ये। यहाँ पे हमारा फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हेल्प करता है टर्मिनल बैलिस्टिक को, ताकि वो एग्जामिनेशन मतलब वुंड का एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से कर सके। फिर पांचवा हमारा आता है द डिस्टेंस बिटवीन शूटर का डिस्टेंस और जो हमारा विक्टिम है उसका डिस्टेंस, ये बतलाता है कि कितना डिस्टेंस है शूट हमारा किया गया है। फिर ये नंबर ऑफ शॉट्स, कितना शॉट्स, कितना बार फायर हुआ है क्राइम सीन पे, गोलियां कितना फायर हुआ है वो बतलाएगा। और क्या बतलाएगा कि कितने पर्संस उस वक्त जब ऑफेंस हुआ था उस वक्त कितने पर्संस इन्वॉल्व थे उस समय क्राइम सीन पे। और ये हमें बतलाएगा द टाइप ऑफ वेपन, टाइप ऑफ वेपन विच वाज यूज, जो टाइप ऑफ वेपन है वो कट्टा है, देसी कट्टा है, या फिर असॉल्ट राइफल है, जो भी यूज़ किया गया वो बतलाएगा। और ये हमें बतलाएगा वेदर द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड और नॉट, क्राइम हुआ है या नहीं हुआ। एंड इफ इट इज़ कमिटेड, अगर क्राइम हुआ है तो इट विल टेल अस वेदर इट इज़ सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल और नेग्लिजेंट। ये हमें बताएगा कि क्राइम अगर हुआ है तो एक्सीडेंटल था, या फिर हमारा ये सुसाइडल था, ये नेग्लिजेंस में हो गया, या फिर एक्सीडेंटल हुआ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पार्ट्स, फायरआर्म के कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे है हमारा मज़ल, जो हमारा बैरल का या फ्रंट का एंड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मज़ल एंड, जहाँ से हमारा बुलेट बाहर की ओर जाएगा। ये हमारा फ्रंट साइड और ये हमारा रियर साइड, ताकि हम लोग एमिंग अच्छा तरीक़े से कर सके, जो हमारा टारगेट है उसको अच्छा तरह से एम बैठा सके। फिर ये हमारा बैरल, जो ये हमारा नाली है, यहाँ से हमारा जो बुलेट बाहर जाएगा इसको हम लोग बोल रहे हैं बैरल। और यहाँ पे बैरल का जो डायमीटर है उसको हम लोग बोलते हैं बोर। ठीक है, ये हमारा स्लाइड हम लोग पीछे करते हैं। यहाँ पर हमारा एक स्लाइड लॉक रहता है, यहाँ पे मैं बनाना भूल गया, यहाँ पे एक स्लाइड लॉक रहता है, स्लाइड लॉक पीछे करके हमारा स्लाइड को लॉक कर लेते हैं और देखते हैं हमारा उसके अंदर वो कार्ट्रिज या फिर मिस फायर बुलेट जो है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। फिर हमारा ये हुआ हमारा ट्रिगर से हम लोग जैसे ट्रिगर दबाते हैं हमारा पिन स्ट्राइक करता है, हैमर स्ट्राइक करता है हमारा कार्ट्रिज केस पे और हमारा बुलेट बाहर निकल जाता है, जो हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है उसके बाद बुलेट बाहर निकल जाता है। उसके बाद है हमारा ट्रिगर गार्ड इसलिए रहता है ताकि एक्सीडेंटली हम लोग कभी गलती से भी मतलब पुल ना हो जाए खुद ब खुद या फिर एक्सीडेंटली। ये हमारा मैगजीन रिलीज बटन है, यहाँ पे मैगजीन रिलीज होगा, मैगजीन रिलीज होने के बाद हम लोग उसमें बुलेट को भरते हैं, तो ये हमारा इसमें पिस्टल है तो हमारा पिस्टल में मैगजीन जाता है। ये हमारा ग्रिप हम लोग ताकि अच्छे से उसको फर्मली प्रेस करके रखें, हम लोग अच्छे से उसको पकड़ के रखें और वो गलती से भी ना गिर जाए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था बैलिस्टिक का आज के वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायरआर्म। थैंक यू, हो वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू।